आज का जो फॉर्मूला है अमोनियम ऑक्सलेट फॉर्मूला है, इसको मैं डिवाइड कर रखा है तीन पार्ट में। इससे क्या होगा, आपको बेहद आसान लगेगा कि फॉर्मूला कितने आसान तरीके से फाइंड हो जाता है। स्टेप वन, सिंबल अमोनियम का सिंबल होता है NH4 होता है, ऑक्सलेट का फॉर्म जो होता है सिंबल C2O4 होता है। देन स्टेप टू, आयन पॉजिटिव नेगेटिव डिवाइड करते हैं। अमोनियम जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस की वन है, तो ये क्या हुआ, मोनोवेलेंट प्लस का हो गया। देन ऑक्सलेट की जो वैल्यू होती है C2O4 माइनस की टू होती है, ये डाइवेलेंट हो गया। प्लस के नंबर हो या नेगेटिव के नंबर होते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग इनके नाम होते हैं। देन वैल्यू फाइंड हो गई, देन सिंबल फाइंड हो गया। अब आएगा स्टेप थ्री, जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। देन यहाँ पर लिखिए NH4 की जो वैल्यू है प्लस वन है, ऑक्सलेट C2O4 इसकी जो वैल्यू होती है टू होती है। प्लस एंड माइनस को इग्नोर करते हैं, ओनली फॉर डिजिट लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा, NH4 का होल ट्वाइस C2O4। इस तरीके से अमोनियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला फाइंड हो चुका है। इसी तरीके से आप या इस कॉन्सेप्ट से आप एक दो नहीं हजारों फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं, बट उसके सिंबल आपको फाइंड हो एंड वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।